चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धनिया की फलाहारी पंजीरी बनाएंगे। आज हम धनिया की पंजीरी बनाएंगे। धनिया की पंजीरी विशेष तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाई जाती है। इसे फलाहारी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। इसका बनाना भी आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। साबुत धनिया आधा कप पिसा भी ले सकते हैं। मखाने साबुत पौन कप, नारियल बुरादा आधा कप, खरबूजा की मिगी 2 टेबल स्पून, बारीक गोंद 1 टेबल स्पून, बादाम 8-10, काजू कटे 10-12, काली मिर्च पिसी 2-3 पिंच, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, देसी घी जरूरत के हिसाब से, बूरा आधा कप। इसकी जगह चीनी पिसी भी ले सकते हैं। अब धनिया को भूनेंगे। पैन को गर्म करेंगे, इसमें धनिया डालेंगे, खुशबू आने तक भूनेंगे। गैस कम ही रखेंगे जिससे धनिया जले ना। धनिया हल्का गुलाबी होने लगा है, खुशबू भी अच्छी आने लगी है। अब इसे निकाल लेंगे, इस तरह से किचन टॉवल रखकर निकाल लेंगे जिससे पसीजे नहीं। ठंडा होने के बाद पीसेंगे। अब इसमें खरबूजे के बीज भूनेंगे। इस तरह से चटकने लगते हैं, ये फूल जाते हैं। इनको भी प्लेट पर निकाल लेंगे। अब इसमें नारियल बुरादा भूनेंगे। इन सब चीजों को गैस कम पर ही भूनना है, ये बहुत जल्दी भून जाते हैं। रंग चेंज हो चुका है, अब इसे भी प्लेट पर निकाल लेंगे। 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, मखाने तल लेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें मखाने डालेंगे। मखानों को इस तरह से तल लेंगे। गैस को कम पे या मीडियम पे रखेंगे। मखाने हल्के गुलाबी हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इनको भी प्लेट में एक तरफ रखेंगे। पैन थोड़ा ठंडा हो जाए तब बादाम भूनेंगे। बादाम भूनने पर इस तरह से फूल जाते हैं। बादाम भून चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। इनको भी सेम प्लेट में रखेंगे। अब इसमें काजू को भूनेंगे, हल्के गुलाबी होने तक भूनेंगे। काजू पिंक हो चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लेंगे। एक टेबल स्पून घी डालेंगे, अब गोंद को भूनेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब गैस को थोड़ा कम कर लेंगे और इसमें गोंद को भूनेंगे। इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा गोंद, और हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। गोंद गुलाबी हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। इसको भी नारियल के ऊपर रखेंगे। बाकी गोंद को भी इसी तरह से भून लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के सारा भून लेंगे। गुलाबी हो चुका है, इसे निकाल दें। ठंडा होने के पास साबुत मेवा को दरदरा पीस लेंगे, काट भी सकते हैं। धनिया ठंडा हो चुका है, अब इसे बारीक पीस लेंगे। धनिया इस तरह से बारीक पीस चुका है, इसे पैन में निकाल लेंगे। अब काजू और बादाम को दरदरा पीस लेंगे।
काजू बादाम को दरदरा पीस लिया है, इसको भी धनिया में निकाल देंगे। मखाने को दरदरा पीस लेंगे, दरदरे मखानों को भी इसी पैन में डाल देंगे, बाकी भुजी मेवा को भी इसी में मिला देंगे। अब इसमें बूरा डालेंगे, स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च डालेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इलायची पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। धनिया की पंजीरी बनकर तैयार है, अब प्लेट पर निकालेंगे। स्वादिष्ट धनिया की पंजीरी बनकर तैयार है, इसे घर पर बनाइए और कृष्ण भगवान को भोग लगाइए और इस प्रसाद को सबको खिलाइए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।